अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। अर्ज कह रहा था मैंने खाना नहीं खाना, और शवारमा खाना मेरा पसंदीदा आज लग गया था। आज आप भी रवि के पापा को हम छोड़ने गए थे, तो हम वापसी भी देखा तो वो लगा रहे थे अंकल। अभी मुझे हानी हानी कहनी, अर्श कह रहा था मैंने शवारमा खाना है और अर्श के बाबा ने ला दिए, और साथ एक जूस नहीं दो दो जूस इसने लिए। दो ये दो। एक वीडियो पे मैं आपके आपके साथ बातें कर सकती हूँ? करो बातें, आपको किसने मना किया? हमारे पास बैंगल्स है, हम लाए थे। अब तो हमारे बैंगल्स ऐसे जो ऐसे स्पार्कली है, बट स्पाइसी तो नहीं है। स्पाइसी है? मैं कोको को बाहर लेकर जाती हूँ, इसने कहना मुझे भी दो, और ये स्पाइसी है कोको। फिर आपको पता कि इतना खा के स्पाइसी तो रोती है, चिली ज़्यादा है उसमें। बस मेरा बेटा ना इस तरह के चस्के लगाता है। चलो आप खा लो, मैं बाहर जाती हूँ। मैंने आटा गूंदना है, वो गूंद लेते हैं। अर्श ने शवारमा खा लिया और मैंने आटा गूंद लिया। यहाँ पे मूली वाली रोटी बनेगी। तीनों छील के ना तो फिर कद्दूकस कर लिया। आज मैंने बनाना है मटर, मूंगरे और आलू, और थोड़ी सी मैंने इसमें पालक भी डाल ली है। मूंगरे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, और अभी तक गैस का हो रहा है, वेट गैस नहीं आई। जैसे गैस आएगी तो जल्दी से खाना बनेगा। प्याज वगैरह मैंने काट लिया और लहसुन भी छील लिया। ये है आपका कद्दूकस। हाँ जी, क्या कह रही हो? मूलियाँ कद्दूकस कर लिए और गैस भी आ गई है। प्याज ब्राउन मैंने कर लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह भून के थोड़ा सा मैं डाल दूँ पानी, और साथ सारे मसाले डाल के इसमें मैं डाल दूँगी मूंगरे और मटर। ये थोड़े गल जाएंगे तो आलू मैं बाद में डालूँगी। मसाला भून लिए, मटर और मूंगरी मैंने धो लिए, और पालक इसमें मैं डाल देती हूँ। अच्छी तरह मसाले में भून के थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। मूंगरे, मटर और पालक भून के मसाले में मैंने एक गिलास पानी डाल दिया था। पानी थोड़ा खुश्क हो गया और मैंने इसमें आलू डाल दिए। आलू भी गल गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सालन बना, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मूंगरे, मटर और पालक ये मसाले में भून के थोड़ा सा पानी डाल लेना, इनको गला लेना, और थोड़ा सा पानी रह जाए और आलू बाद में डाल देना। आलू गल गए तो अच्छी तरह भून के और बाद में गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़ा आएगा।
बनाने लगी हूँ रोटी। रोटी मैंने सबके लिए बना ली है और मैंने अपने लिए बनाया मूली वाला पराठा और साथ चाय। साले ने इतना मज़ेदार बना, मेरा दिल कर रहा था उसके साथ भी मैं रोटी खाऊं और मूली वाला पराठा, ये भी मेरा दिल कर रहा था। और मूली वाला पराठा मैं अब खाऊंगी और सालन सुबह नाश्ते के टाइम। अब मैं बनाने लगी हूँ साथ चाय। मूली वाला पराठा और चाय मैंने पी ली है और पराठा भी खा लिए और एक मेहमान आ गया था उसको मैंने चाय बना के दी है। मेहमान चले गए और बर्तन उठा के ले जाती हूँ और बर्तन काफ़ी ज़्यादा धोने वाले हैं। और आज की वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।